नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। हरियाणा में 3 जनवरी से पे ग्रेड में संशोधन व एसीपी यानी अश्योर्ड करियर प्रमोशन सहित कई मांगों को लेकर राजस्व पटवारियों व कानूनगो की चल रही हड़ताल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 29 दिन से पटवारी व सरकार आमने सामने है, लेकिन कोई समाधान होता नहीं देख अब जनता के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। यदि सरकार ने जल्द ही इसका समाधान नहीं निकाला तो लोकसभा व विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जनता सरकार को जवाब देने में चूक नहीं करेगी। बता दें कि पटवारियों की हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में युवा हैं, वह भी बेरोजगार युवा। जॉब के लिए आवेदन करते समय अपडेटेड जाति EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व डोमोसाइल सहित कई प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होता है, लेकिन ये प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण अनेक युवा आवेदन तक करने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं युवाओं का भविष्य भी दाव पर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, ऐसे में लोन आदि के लिए भी पटवारी की जरूरत पड़ती है। पटवारी हड़ताल पर हैं, ऐसे में कई लोगों को शादियों तक को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोग सरकार को कोसने को मजबूर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बता दें कि प्रमाण पत्र नहीं, इंतकाल, नई प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वेरीफाई, फसलों का पंजीकरण, गिरदावरी सहित ऐसे अनेक जरूरी काम हैं जो बीते 29 दिन से अटके हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से 2 फरवरी को द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के साथ सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता बुलाई गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कोई समाधान निकल पाता है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो चुनाव में खामियाजा जरूर झेलना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को भी बगैर देरी के बगैर कोई ठोस समाधान निकालना चाहिए ताकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटरी पर आ सके। अब आपको दिखाते हैं कड़ाके की ठंड व शीतलहर के बीच रेवाड़ी में जिला सचिवालय के पास धरने पर बैठे पटवारियों ने हड़ताल को लेकर क्या कहा। मैं बलजीत सिंह पटवारी, जिला प्रधान जी, रेवेन्यू पटवारी कानूनगो एसोसिएशन रेवाड़ी हरियाणा। धरना चल रहा है जी, क्या कहेंगे? 3 जनवरी से लगातार धरना जारी है, आज 29वां दिन है। तो वह बातचीत हुई है सरकार से? सरकार ने 29 तारीख को वार्ता के लिए बुलाया था, हमारी राज्य कार्यकारिणी वार्ता के लिए गई थी, सरकार से सहमति नहीं हो पाई। तो वजह क्या मान रहे हैं, क्यों नहीं बने? वजह सरकार ये कह रही है कि 2016 से लागू करने में कानूनी अड़चन आ रही है। रेवाड़ी जिले में कितने आपके सहयोगी हैं जी, कानूनगो और पटवारी? टोटल 83 है। जो यूनियन है, यूनियन की लंबित मांगे कौन कौन सी हैं? मेन तो वेतन मान विसंगति है, और दूसरी नायब तहसीलदार के एग्जाम है, और अतिरिक्त पटवार सर्कल का बोझ है, करना हुआ है। तो सरकार की कहां तक आप मानते हैं कि कहीं सरकार की तरफ से कोताही है या अधिकारियों की तरफ से कोताही है, क्या? ये तो हम तो क्या माने, तो सरकार को ही देखना चाहिए, अधिकारी को तो सरकारी दिशा निर्देश देंगे ना। तो जो मांग पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या आगे रणनीति कोई बनाई है एसोसिएशन की ओर से? धरना अब तो 31 तारीख आज तक तो धरना है ही, आगे की जो रूपरेखा जो राज्य कार्यकारिणी बताएगी उसी आगामी आदेश तक आगे की रूपरेखा जो तैयार होगी आगे बताएंगे। सर, हमारी सरकार है वो हमारी तरफ सकारात्मक कोई फैसला दे नहीं रही है, और 2016 जो लागू करना था उस पर ध्यान नहीं दे रही। जनता को परेशान करके तो हम भी खुश नहीं है, और जनता सरकार की वजह से परेशान है ना कि हमारी वजह से, जनता के लिए है। अब नई भर्तियाँ होंगी, नए लड़के भर्ती होंगे तो बच्चों का भला होगा। अब हरियाणा में 4,000 की जगह 1400 पटवारी पहले से ही हैं, एक एक आदमी के पास में दो तीन सर्कल है। तो हम जनता की तरफ से एक किस्म से हड़ताल में बैठे। तो क्या ये मानते हैं कि सर्कलों पे ज़्यादा कार्य है? हाँ जी, सर्कलों पे कार्य है, और बहुत से कार्य हैं, बहुत ज़्यादा कार्य है। एक एक पटवारी के पास में 5-5, 7-7 गाँव कम से कम है, सारे कार्य बाधित हैं। लगभग 1 महीने से कार्य हो ही नहीं रहा है।